नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है स्पोंजिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, स्पोंजिया दवाई का यूज़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में किया जाता है, जैसे ड्राई कफ में, सोर थ्रोट में या अस्थमा में इस दवाई का यूज़ किया जाता है। चलिए अब इन बीमारियों के सिम्टम्स जान लेते हैं, यानी किन सिम्टम्स के होने पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, थ्रोट की बात की जाए तो पेशेंट को सोर थ्रोट के साथ साथ स्टिचिंग पेन होता है, तो पेशेंट को गले में ड्राइनेस महसूस होती है। इसके अलावा बर्निंग पेन होता है, यानी जलन होती है, जलन खांसी की वजह से होती है। दोस्तों, पेशेंट को जो सोर थ्रोट होता है वो स्वीट यानी मीठा खाने से एग्रावेट होता है, यानी मीठा खाने से पेशेंट को परेशानी बढ़ती है। ऐसे सिम्टम्स में पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो पेशेंट का सोर थ्रोट ठीक होता है, ड्राइनेस ठीक होती है। इसके अलावा जो स्टिचिंग पेन हो रहा था उसमें भी काफ़ी रिलीफ लगता है। दोस्तों, कफ की बात की जाए तो पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक पीने से अगर कफ हो, या फिर ठंडी हवा लगने से पेशेंट को अगर कफ हो, मिठाई खाने से पेशेंट को अगर कफ होती हो, तो ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा तंबाकू खाने या स्मोकिंग करने से भी अगर पेशेंट को खांसी होती हो तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है। दोस्तों, कफ के कैरेक्टर की बात की जाए तो पेशेंट का जो कफ होता है वो ड्राई होता है, बार्किंग होता है। इसके अलावा पेशेंट को वीजिंग साउंड सुनाई देता है खांसी के समय। पेशेंट की खांसी से कई बार रिंगिंग साउंड भी आता है। दोस्तों, इसके और सिम्टम्स की बात करें तो खांसी के दौरान जब पेशेंट को खांसी होती है तो जहां से भी पेशेंट सांस लेता है, यानी गले में, मुंह में और छाती में ड्राइनेस महसूस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस महसूस होती है। ऐसे सिम्टम्स में पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को अस्थमेटिक कफ भी होता है, यानी अस्थमा के साथ खांसी भी होती है, उसमें भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे केस में ये दवाई दी जाए तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ लगता है। दोस्तों, अस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो टेकिंग कोल्ड यानी ठंडा पीने से या ठंडी हवा से पेशेंट को परेशानी बढ़ती है, या पेशेंट को कोई दिल की बीमारी हो साथ साथ, तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को अस्थमा हो तो ये दवाई दी जाती है। मेंसेस के बाद भी अगर पेशेंट को अस्थमा हो तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है, यानी पेशेंट की अस्थमा के ये कारण हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट लेटना नहीं चाहता है। पेशेंट अगर लेटता है तो उसे सफोकेशन होती है और पेशेंट को डर लगता है कि सफोकेशन के कारण पेशेंट की डेथ हो जाएगी, वो नहीं बचेगा। ऐसे सिम्टम्स में पेशेंट को अस्थमा के ये दवाई दी जाए तो काफ़ी रिलीफ लगता है। दोस्तों, इसके अलावा ये दवाई ग्लैंड्स के बढ़ने पर भी दी जाती है। ग्लैंड्स में अगर स्वेलिंग आए तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, जैसे टेस्टिस ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आती है तो उसको भी ठीक करती है, थायराइड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आती है तो उसको भी ठीक करती है। दोस्तों, ये दवाई एंजाइना में यानी छाती के दर्द में भी दी जाती है। छाती के दर्द के दौरान पेशेंट को हीट महसूस हो, एंजाइटी हो, या फिर पेशेंट को सफोकेशन हो, फेंटनेस हो, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को एंजाइना में भी काफ़ी रिलीफ लगता है। दोस्तों, इस दवाई को सबसे ज़्यादा मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी क्यू पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। 30 CH में भी इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं और 200 CH में भी कई बार इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन सभी की डोज अलग रहती है, इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है और आपको कौन सी डोज और पोटेंसी सूट करेगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।